गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज मॉन समर स्कूल एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर सनी कुमार एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंप्यूटर फॉर क्लास 9 एंड दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर सॉरी यूनिट फर्स्ट यूनिट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान. हम क्या करते हैं? एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं. किसके द्वारा? किसी एक लैंग्वेज के द्वारा. तो लैंग्वेज जो होता है वो दोनों को आना चाहिए, तब तो आदान प्रदानों को हम समझ पाएंगे, एक दूसरे के आदान प्रदान को. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिसाइड करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश के बारे में. ठीक है, तो इंग्लिश में हम कैसे आदान प्रदान करते हैं और अच्छी तरीके से एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और आदान प्रदान को सही तरीके से एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इसमें हमको पहला चीज क्या पढ़ना है, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल एक तरीका है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं. ठीक है, जैसे आपके विचार क्या है, आपका थिंकिंग क्या है किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में, एक दूसरे से हम कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो किसके द्वारा करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा. ठीक है, और इंग्लिश में है हमारा तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए. ठीक है, दूसरा पॉइंट है कंपोनेंट्स इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स मतलब उसके भाग, क्या क्या भाग होते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. थर्ड पॉइंट है आपका व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बारे में हमें क्यों जरूरत है कम्युनिकेशन की, इसके बारे में थर्ड पॉइंट हम जानेंगे. फोर्थ है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन. पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन क्या होता है, कि हम भाषा को किस तरह से समझ रहे हैं, विचारों को किस तरह से समझ रहे हैं, और कम्युनिकेशन यानी कि जो आदान प्रदान कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं. ठीक है, दूसरे को समझ आ रहा है कि नहीं. पांचवा पॉइंट है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. बैरियर्स का मतलब है रोकथाम, मतलब कि किसी चीज़ में हम मान लीजिए कोई बैरियर है, कोई आपका यानी कोई रोक रहा है, किस चीज़ से रोक रहा है, तो कम्युनिकेशन के बारे में हम कैसे कैसे अपने आप को रोक लेते हैं, अपने आप को एक लिमिटेड कर लेते हैं कि नहीं हमसे ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या बैरियर्स हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट चलते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन से जानेंगे, कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू ईच अदर, इट इज नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, सेकेंड पॉइंट कहेंगे कंपोनेंट्स इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन में कंपोनेंट्स नहीं होंगे, तो मान लीजिए एक कोई भाग नहीं हुआ कम्युनिकेशन का, तो क्या कीजिएगा, अच्छे से उन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा. तो उसके बारे में हमको कुछ कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, उसके बारे में इसमें हम जानेंगे, जैसे कि कंटेक्स्ट, पहला चीज़ दिया होता है कंटेक्स्ट, यानी उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में वो भाषा बोली जा रही है उसके बारे में समझेंगे. उसके बाद है अब मैसेज क्या होता है, जैसे हम किसी सेंडर को मान लीजिए हम भेज रहे हैं किसी मैसेज को, तो हम सेंडर हो गए. ठीक है, तो उसके बारे में इसमें समझेंगे, अब मैसेज फ्रॉम द सेंडर यानी कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं उसके बारे में समझेंगे. उसके बाद है थर्ड पॉइंट असेंडर, यानी जो हम भेज रहे हैं मैसेज वो सेंडर जो है वो व्यक्ति उस भाषा को अच्छी तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत या प्रकट कर पा रहा है कि नहीं. ठीक है, उसके बारे में उसमें समझ रहे हैं हमें. ठीक है, उसके बाद है रिसीवर, जो मेन पॉइंट है रिसीवर. अब मान लीजिए जो भाषा भेज रहे हैं किसी को, ठीक है, जो भाषा से आप चाह रहे हैं कि कम्युनिकेट करें, आदान प्रदान करें अपने दोनों के विचारों और मतों को, तो वो भाषा सामने वाला समझ नहीं रहा है, वो क्या करेंगे, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है सामने वाले के लिए. तो रिसीवर को भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, मेक देम अंडरस्टैंड उस भाषा के बारे में, उसको समझाएंगे उस भाषा के बारे में, उन्हें बताएंगे कि आप इसी भाषा में कम्युनिकेट कीजिए हमसे. तो ये भाषा कौन सी है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं. ये सब मेथड है, ये सब
टेक्निक्स है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। आगे चलते हैं, व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या क्यों जरूरी है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम अपने क्लासरूम को लेते हैं, अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन नहीं हो गया, आप मेरी बातों को नहीं समझेंगे, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाऊंगा, तो वहाँ पे सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जिस वजह से क्या होगा, ना आप मेरी बातों को समझेंगे, ना मैं आपकी बातों को समझूंगा, और इससे क्या होगा, पूरी तरीके से हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, टीचिंग करने का जो तरीका है, टीचिंग टेक्निक है, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको किसी चीज़ के कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझिए, और आप जो बोलेंगे, आप जो क्वेश्चन करेंगे चीज़ों को समझने के बाद, तो हम लोग एक पार्टिकुलर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा कि कम्युनिकेशन की जरूरत है। चौथी चीज़ है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपका कोई व्यू होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, दृष्टिकोण को, अपने दृष्टिकोण को अच्छी तरह से टीचर्स या फिर जो आपके क्लास में है उनको समझा पाइएगा, तो आगे की चीज़ों को वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को पार्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे हैं, और आप चाहिए कि नहीं मुझे हिंदी में ही समझना है और सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण को सामने नहीं रख पाएगा। तो यहाँ की जरूरत है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश को समझे अच्छे से, और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश भाषा का उपयोग करें। ठीक है, लास्ट चीज़ है वो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अब हमें मान लीजिए बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कहा जा रहा है यहाँ पे, मतलब कि हमें इसमें क्या क्या रुकावटें झेलनी पड़ रही हैं कम्युनिकेशन में, हमें बहुत सारी रुकावटें झेलनी पड़ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं हम लोग हिंदी बैच से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश का उतना जो है, यहाँ पे इंग्लिश को नहीं अच्छी तरीके से लिया जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में टॉक करना चाहते हैं, वर्ड्स तो सभी आदमी फैमिलियर होते हैं इंग्लिश के, बोलते हैं, लेकिन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उस टेक्निक को नहीं समझ पाते हैं कि हाँ हमें 200-300 वर्ड्स हैं उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए, और उससे क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन के बैरियर को तोड़ सकते हैं, रुकावट को हटा सकते हैं, बाधा जो भी उत्पन्न होगी इंग्लिश कम्युनिकेशन में उसे हटाया जा सकता है। तो मुश्किल से 200 या 300 वर्ड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, उस बैरियर्स को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझे होंगे मेरी बातों को, और अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।